नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अपने उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन शनिवार को पार्टी विधायकों, पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने 2022 में तय प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। इस मौके पर नड्डा ने कहा कि ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर कुप्रबंधन के कारण राष्ट्रपति पद खो दिया, लेकिन पीएम मोदी ने समय से लॉकडाउन करने का साहसिक फैसला लिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका अभी भी स्वास्थ्य बनाम अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर अनिर्णायक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि बार बार भारत की जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। अभी अभी बिहार के चुनाव हुए, हालांकि हम बिहार का चुनाव मिलजुल कर लड़े, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट 67% बिहार में भाजपा को मिला। 110 सीटों में 74 सीटें हमने जीती, 19.5% वोट हमें मिला। नड्डा ने कहा कि स्वच्छ भारत में आप सब 100% खुले में शौच मुक्त हो गए हैं। देशभर में 11 करोड़ शौचालय बने हैं, जिसमें 5.22 लाख सिर्फ उत्तराखंड में बने हैं। उन्होंने कहा, आपको मालूम है कि बॉर्डर पर हंगामा क्यों है, मुसीबत क्यों है, दिक्कत क्यों है? क्योंकि मोदी जी ने पिछले 5 सालों में 4,500 किलोमीटर की 4-लेन रोड अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक बनवा दी है। जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे के तीसरे दिन देहरादून में तिलक रोड स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने संघ परिवार के सदस्यों के साथ जलपान किया। इसके बाद उन्होंने कार्यालय और विभागों की समीक्षा बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने सीएम से सभी विभागों की जानकारी। इसके बाद वे बूथ समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद बूथ अध्यक्षों से बूथों को लेकर जानकारियां ली। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।